आज अगर हम बात करें कि जेंडर पे किस तरह से हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या एयर पोल्यूशन की, तो मुझे लगता है समस्याएं बहुत सारी हैं, पर हम थोड़ा सॉल्यूशन को देखें तो अगर हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित सब लोग हो रहे हैं क्योंकि एयर पोल्यूटेड है, पर इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो बच्चे और महिलाएं, अगर महिलाएं और बच्चे प्रभावित हैं तो वो क्या तरीके होंगे जिससे हम उन्हें बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी भी लोग ये बात तो करते हैं कि एयर पोल्यूटेड है, पर वो कैसे पोल्यूट हो रहा है, क्या क्या कारण है और किस तरह से उसे रोका जा सकता है, अभी भी लोग इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बात करने की ज़रूरत है और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हम स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम्स रन करें ताकि हर कोई जाने, और अगर बच्चा जानता है ना तो घर जाके माँ को ज़रूर बताएंगे कि आज हमारे स्कूल में बताया गया कि ऐसे ऐसे एयर पॉल्यूशन होता है और हम इसे रोक सकते हैं। अगर हम इंदौर शहर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी मल्टीज हैं, तो क्यों नहीं हम मल्टीज में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करें, क्योंकि अगर वहाँ इस पर बात होगी तो जो महिलाएं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं घर पर रहती हैं, वो जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल होंगी, अगर हम वो जान पाएंगी तो वो डेफिनेटली इसमें भागीदारी करें। और आपने सुना ही होगा ना कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन एयर को पॉल्यूट करने में तो कम है मगर प्रभावित होने वालों में ज़्यादा है। तो क्यों है ज़्यादा? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि बचाव कैसे होना चाहिए। तो हम एक तो अवेयरनेस करें। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महिलाएं कब यूज़ करेंगी या खास तौर पे डिफरेंटली एबल लोग कब यूज़ करेंगे? जब वो उतना कंफर्टेबल हो उनके लिए। एक तो सेफ्टी होना चाहिए, दूसरा जो लोग ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उनका व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए, खासतौर पर जो लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जब ऐसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं उस समय चलाने वाले और उसके जो कंडक्टर हैं उनका व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए ताकि वो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी बात है महिलाएं, अगर गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनके प्रति संवेदनशील तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए। जब ये बढ़ेगा तो अपने आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। हम सुनते हैं कि कचरा जलाया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट भी कई बार इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, और कचरे जब जलाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसके लिए भी टाइम टू टाइम अवेयरनेस भी हो और साथ में मुझे लगता है थोड़ा पनिशमेंट भी हो। अगर स्ट्रिक्टली बात की जाएगी कि कहीं भी किसी भी मोहल्ले से कचरा जलने के धुआं दिखता है तो उस पूरे मोहल्ले को पनिश किया जाएगा या उस मोहल्ले पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, कुछ इस तरह की बात की जाए तो शायद हम इसे रोक सकते हैं। हमें याद है, हम तो जब छोटे थे बहुत साइकिलिंग करते थे, बहुत पैदल चलते थे। आज क्यों नहीं करते? क्योंकि साइकिल के लिए रास्ता नहीं है, पैदल चलने के लिए सेफ जोन नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसा जगह, ऐसी लाइन बनाई जाए जहां हमें स्पेशली पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों को जगह मिले। हम जानते हैं कुछ जगह है इंदौर शहर में बनाया गया, पर हमें यह भी पता है कि वहां फोर व्हीलर भी चढ़ जाता है, पैदल चलने वाला तो दिखाई नहीं देता है। तो हमें ट्रैफिक में भी इस तरह के रूल्स को बनाना और स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे पाथवेज बनाना ताकि लोग पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए प्रमोट हों। और साथ ही अगर मैं साइकिल लेकर जाती हूँ तो मैं अपना साइकिल कहाँ छोड़ूँ, तो मुझे कोई पार्किंग की जगह भी मिलनी चाहिए, मुझे ऐसी भी जगह मिलनी चाहिए। अभी है हमारे शहर में कुछ साइकिल्स जो हम कार्ड्स पे ले सकते हैं और पार्क कर सकते हैं, बट वो सब जगह नहीं है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ तो फ्रिक्वेंटली इस तरह के पार्किंग जोन हो ताकि मैं कहीं भी साइकिल खड़ा कर सकूँ और कहीं से भी उठा सकूँ, और साथ में इजीली अवेलेबल लोन पर मैं साइकिल ले सकूँ। हाँ, पर जब हम साइकिल की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं ना, या फिर हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बात कर रहे हैं, वो क्या उस तरह की साइकिल चला पाएंगे जैसा आजकल मिलता है? वो साइकिल में ऊपर डंडी होती तो साड़ी पहन के मैं उस साइकिल को कैसे चलाऊँगी, या जो पैरों से काम नहीं करता जिसका, वो उस साइकिल को कैसे चलाएंगे? तो हमें इस तरह की साइकिल डिज़ाइनिंग की भी बात और उसको प्रमोशन भी देने की बात करनी होगी, और साथ ही सस्ते में ईजिली एक्सेसिबल साइकिल मिल पाए उसकी बात भी करनी होगी। और केवल साइकिल नहीं, साइकिल रिपेयर दुकान भी खुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल वो बंद हो गए। अब मेरे साइकिल की चेन चढ़ानी तो मुझे अगर 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ा तो शायद मैं अगली बार साइकिल लेकर निकलना नहीं चाहूँगी, ये भी है। साथ में जब हम जेंडर के नज़रिए से देखने की बात करते तो महिलाओं को क्या चाहिए? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब यूज़ करूँगी? जब उतरते ही मुझे कुछ एक सेफ़, क्लीन, पानी के सहित टॉयलेट मिले, लाइट हो,
सड़कें सुरक्षित हो, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके लिए गाड़ियों में प्रॉपर व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें होंगी तो शायद मैं इस एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन कम कर दूंगी और मैं ज़्यादा प्रमोट करूंगी उस तरीके को। अभी भी हम कह रहे हैं कि लोग गैस चूल्हा यूज़ करते हैं, लकड़ी नहीं जला रहे, कंडे नहीं जला रहे, पर अभी डेटा कहता है कि अभी भी 70-80% लोग आज भी उसी चूल्हे के, एटलीस्ट अभी ठंड में तो लोग पानी गर्म करने के लिए चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम उसे कम कैसे करें इस पर बात करें और उन माध्यमों के उपयोग को बढ़ावा दें जिसमें कम से कम पॉल्यूशन हो, तो वो हमारे हवा को शुद्ध तो करेगा ही। हम लोग ब्रेन पे बहुत बात करते हैं, मतलब काम करते हैं, हम बहुत सारी थ्योरीज की बात करते हैं, हम सिद्धांतों की बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, बड़े हम वर्कशॉप्स में होंगे, बट जब एक्शन का लेवल आता है हम ज़ीरो हो जाते हैं। हम एक्शन में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना और इसकी बात करते तो लोग नहीं मानते। मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिछले 6 महीने में मैक्सिमम टाइम, मतलब 10 में से 9 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किए। क्या सच में लोग उसको एक्शन में ला रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। और वो कब होगा? जब वो दिल से जुड़ेगा। कोई भी मुद्दा हमें जब टच करता है तब हम उसको करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये लोगों के लिए इस तरह की बात, इस तरह का माहौल बनाया जाए कि लोग एयर को पोल्यूट होने से बचाएं और ख़ास तौर पे अपने सिटी को ही नहीं, अपने देश को भी क्लीन करने के लिए, दुनिया को क्लीन करने के लिए अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है हम सबके लिए दुनिया सुंदर और स्वच्छ होगी।